नाजरीन आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी, आदाब। मऊ शहर के मिर्ज़ा हादीपुरा में मदर टेरेसा फाउंडेशन की ऑफिस का शानदार इफ्तिताह आज अमल में आया। मदर टेरेसा फाउंडेशन के रियासती सदर हारिस शकील के वालिद मोहतरम शकील अहमद के दस्ते मुबारक से फीता काट कर ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों को खिताब करते हुए सामाजिक कारकुन हारिस शकील ने कहा कि आज मदर टेरेसा फाउंडेशन की ऑफिस का इफ्तिताही प्रोग्राम है। मदर टेरेसा फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम है जो मुल्क गिर सतह पर काम कर रही है। हिंदुस्तान के मुतअद्दिद अज़ला में यह तंजीम काम कर रही है और उसके ज़ेर निगरानी तकरीबन 12 विंग्स काम कर रही हैं, जिसमें ख़वातीन, तलबा, कल्चरल स्टूडेंट वगैरह वगैरह कुल 12 विंग्स हैं जो काम कर रही हैं। हमारा मेन मिशन है कि समाज के आखिरी फ़र्द को कैसे समाज की मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, जिस पर मदर टेरेसा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारी डिमांड है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के एन मुताबिक 52% लोग ओबीसी हैं, इसलिए हमारी मांग है कि जितने भी लोग हैं उन्हें राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली, विधान परिषद, मरकज़ी व रियासती सरकारें और जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें उन्हें 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी होनी चाहिए और इस हिसाब से 52% रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन अभी इस हिसाब से रिजर्वेशन में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हम रिजर्वेशन को ख़त्म करने के हामी नहीं हैं, बल्कि हमारा मुतालबा है कि ओबीसी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है, समाज में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इसलिए रिजर्वेशन लाजमी है। हम लोग इस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम को ख़त्म कर दें। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं सामाजिक कारकुन हारिस शकील। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आज किस तरीके का कार्यक्रम है आपके यहाँ? आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन है, मदर टेरेसा फाउंडेशन के प्रदेश कार्यालय का आज उद्घाटन है। क्या है आपका मिशन? मदर टेरेसा फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो मतलब देश स्तर पे काम कर रही है। पूरे देश में हर जिले हर प्रदेश में मदर टेरेसा फाउंडेशन की टीम काम कर रही है। मदर टेरेसा फाउंडेशन में 12 विंग काम कर रही है, जिसमें महिला, टीचर, स्टूडेंट, कल्चरल, स्पोर्ट, ऐसे करके 12 विंग हैं जो इसके मतलब सहयोगी के रूप में काम कर रही है। और हमारा जो मेन मिशन है कि समाज में जो समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े लोग हैं उनको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यही इसी को लेकर मदर टेरेसा फाउंडेशन काम कर रही है, जिसको लेकर हमारे कुछ संघर्ष हैं और कुछ हम सेवा करते हैं। क्या है संघर्ष बताएंगे? हमारे संघर्ष जैसे मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 52% लोग ओबीसी हैं, तो हमारी ये मांग है कि सारे जितने भी लोग हैं जैसे उनको राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जितने भी विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उसमें इनको 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बुनियाद पर ही वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर हुए थे उन्होंने मंडल कमीशन की आवाज़ को उठाकर और लोगों को रिजर्वेशन दिलवाने में काम किया है। तो क्या लगता है वो उसमें कहीं कमी रह गई है? कमी का मतलब ये है कि जितनी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है, इस बुनियाद पर हम लोग काम कर रहे हैं कि 52% इनका है तो 52% आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण जो था वो उस हिसाब से उपयुक्त नहीं है। अभी तो देश में मांग हो रही है कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हम उसके हिमायती नहीं है। हम रिजर्वेशन को रहना चाहिए ताकि जो समाज की अंतिम पंक्ति पे खड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का ये एक बेहतरीन प्लान है आरक्षण। कहा जा रहा है कि जो दलितों के उत्थान के लिए काम किया गया है अब उनको रिजर्वेशन या किसी और को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, क्या समझते हैं आप? नहीं, अभी बहुत ज़रूरत है, अभी समाज में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जिसके लिए रिजर्वेशन अनिवार्य है। अभी हम लोग उस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ रिजर्वेशन को हम लोग ख़त्म कर देंगे। चुनाव आते ही सारी जो तंजीमें हैं वो अपनी राग अलापने लगती हैं, क्या चुनाव से प्रभावित होकर आप कर रहे हैं ये? मदर टेरेसा फाउंडेशन पूरे जब से मदर टेरेसा फाउंडेशन स्थापित हुई तब से कंटिन्यू समाज में काम कर रही है। हमारा काम ही है कि जैसे हमारा काम है निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन करना, समाज में सद्भावना कमेटी का गठन करना, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और अलग अलग गाँव में
कि मतलब जो भी आज संगठन सक्रिय हैं जो नफरत फैला रहे हैं समाज में, कैसे उनको रोका जाए, कैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध को मिला के एक कमेटी का गठन किया जाए कि अगर कहीं भी कोई तनाव हो रहा है मजहबी तो उसको कैसे रोका जाए। हम लोग काम कर, आपको संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, पिछली सरगर्मी आपकी क्या रही है? मैं एक बुनकर परिवार से हूँ और मेरा स्नातक और प्रस्नातक इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से हुआ है। वहाँ मैं सक्रिय रूप से छात्र राजनीति में रहा हूँ, वहाँ 5 साल छात्रों के मुद्दों पे आवाज़ उठाता रहा, और हमारी वहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि हमने उस तानाशाह विषय को हटाया है जो अपने आप को मतलब उस रवैये पर लेके चले गए थे वो, कि वहाँ की सारी चीज़ों पर हठधर्मिता आ गई थी, लेकिन हमने 4 महीने कंटिन्यू आंदोलन किया था और उनको उनके पद से मुक्त कर दिया था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तब जाके राहत की सांस लिया था। यानी जिस तरह से आज जिस जो आपको पद मिला है उस पद के हिसाब से मऊ में कुछ बदलाव लाएंगे आप? बिल्कुल, हमारी सर जो अभी मैं काम कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर काम कर रहा हूँ, मैं एक संस्था है साथी फैजाबाद उससे जुड़ के रिसर्च कर रहा हूँ संवैधानिक मूल्यों को लेकर, कि कैसे संवैधानिक मूल्यों को सरजमी किया जाए, कैसे समाज में समता स्वतंत्रता न्याय और बंधता को स्थापित किया जाए, उसको लेके हम लोग लेबोरेटरी भी अपनी है और पूरे शहर के अंदर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर इसको कैसे हम लोग जमीन पे उतार पाएं संवैधानिक मूल्यों को, कि समता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, बंतर लोग जान पाएं समझ पाएं कि आज 75 साल होने के बाद भी लोग संवैधानिक मूल्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। संविधान क्या है, हम लोग विद्यालय में ट्रेनिंग देते हैं, मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट में, हम लोग देखते हैं कि इंटर का विद्यालय है लोगों से पूछते हैं संविधान के बारे में नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि बाबा साहब का संविधान है, ऐसा नहीं कि बाबा साहब का संविधान है, संविधान में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। बाबा साहब एक समिति के अध्यक्ष थे जो प्रारूप समिति है, लेकिन संविधान के निर्माता जो थे जो अध्यक्ष थे उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये एक मिथक भी है कि संविधान को सिर्फ बाबा साहब ने बनाया है, नहीं ये मिथक नहीं है, वो चेयरमैन थे तो अंडरस्टूड है कि उनका नाम आता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सारे लोग समता समानता और बंधुत्व की बात करते हैं जब कोई उनका संगठन आता है, लेकिन क्या वजह है कि 75 साल में जो लोग समता समानता और बंधुत्व की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? इसे देखिए, हमारा सर यही मुद्दा ही है कि मतलब जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, हमारी जो संस्था काम कर रही है उसका यही मोटिव है कि हम लोग एक चैन के रूप में इनके सपोर्ट करेंगे, जहां भी इनको जाना होगा, जैसे जिलाधिकारी कार्यालय जाना है हम लोग बैकअप के रूप में इनके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन अंदर इन्हीं को जाना होगा जिनका मुद्दा होगा। मदर टेरेसा का जो सबसे बड़ी खिदमत थी वो जो समाज के सबसे दबे कुचले लोग बीमार लोगों का इलाज करती थी, तो क्या आपके संस्था में बीमार लोगों के इलाज के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम है? मदर टेरेसा फाउंडेशन जैसे निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन कर ही रहा है, बाकी जिस तरह की सेवाएं मदर टेरेसा फाउंडेशन राहत आपदा फंड है, मतलब हर तरह की कोई भी ऐसा मरीज हो जिसको दिक्कत है तो उसके लिए मदद की व्यवस्था मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से की है। लोग आपसे जुड़ते किस तरीके से हैं? हमारी जो संस्था है उसमें ये देखा जाता है कि आप समाज में मतलब आपकी एक छवि होनी चाहिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हों, आप सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हों और मतलब आपका कुछ अनुभव रहा हो समाज सेवा में। नहीं तो लोग आपसे अगर क्या ये सदस्य बनना चाहते हैं तो कैसे संपर्क करें? जैसे हमारे सदस्य बनने के लिए यही कि आप हमारी संस्था के जो वो हैं कि हमारे सारी चीज़ें हैं कि हमारी मदर टेरेसा फाउंडेशन क्या करें, हम उसको जगह जगह छपवाएंगे भी और इसको बताएंगे, बाकी आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? यही कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक के लोग की बात करें, अपने हक के लिए लोग लड़ें, जिनका मुद्दा है वो खुद पैरवी करें, मजबूत पैरवी करें, कि आप अपने हक को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, अपने कर्तव्य को जाने और अधिकारों को जाने बिना रहना मुश्किल है समाज में। किसान अपने हक के लिए जागे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले पैलेट गन चलाई जा रही है, आप उनके लिए कैसे लड़ेंगे? देखिए जब सर कोई भी किसी के खिलाफ हम जब आवाज़ उठाते हैं तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि हम हार मान जाएंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर हौसला होगा तो हम उन सारी ताकतों को एक ना एक दिन हारना है उनको, अगर बस हम डटे रह गए तो। इसलिए हमारी अपील है कि सारे लोग डटे रहें मुद्दों पे। ठीक, थैंक यू।